प्रकाश जी पृथ्वीराज चौहान जी मानिकराव ठाकरे जी बाला बच्चन जी बाला साहेब थोराट जी राजेंद्र जी अशोक राव चौहान जी कांग्रेस पार्टी के हमारे सब कार्यकर्ता भाइयों और बहनों प्रेस के हमारे मित्रों आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत छात्रपति शिवाजी महाराज छात्रपति साहू जी महाराज ज्योतिबाई फुले और अंबेडकर जी की धरती पे आपने मेरा प्यार से स्वागत किया दिल से स्वागत किया इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ कुछ समय पहले मैं यहां सूखे में आया था सूखे में आया था और गांव 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 में गया और जो आपकी मुश्किलें थी उनमें आपके साथ मैं जाके खड़ा हुआ और अब मुझे बताया गया है कि पानी का काफी अच्छी प्रकार अच्छे प्रकार से काम किया गया है और यहाँ पे एक नया शिरपुर मॉडल निकला है छोटे टेक चेक डैम्स का और इससे जनता को काफी फायदा हुआ है देखिए यहां महिलाएं आई हुई हैं आप सब दूर से आए हैं पहले धूप थी अब धूप कम हो गई है मगर आप आपने कष्ट किया और आप दूर दूर से आए आप क्यों आए क्योंकि आप सुनना चाहते थे राहुल गांधी क्या कहेगा चौहान जी क्या कहेंगे बाकी हमारे नेता क्या कहेंगे और कभी कभी हिंदुस्तान में ऐसे लगता है कि नेता का सिर्फ एक काम होता है ऐसे स्टेज पे आकर भाषण देकर घर चले जाने का काम मगर सच्चाई यह है कि नेता का काम बोलने का नहीं होता है सुनने का होता है बोलना बोलना भैया बहुत आसान होता है बोल कोई भी सकता है ऐसे स्टेज पे आके कोई भी बोल सकता है मगर सुनने के लिए खास तौर से गरीबों की बात सुनने के लिए महिलाओं की बात सुनने के लिए सिर को झुकाने की जरूरत होती है। अपना जो अपना जो ईगो होता है जो घमंड होता है जो सब में होता है थोड़ा थोड़ा उसको दबाने की जरूरत होती है क्योंकि जब तक नेता अपने आप को नहीं दबाता है और जनता के बीच में नहीं जाता है महिलाओं के बीच में नहीं जाता है और उनकी बात नहीं सुनता है तब तक नेता कोई बदलाव नहीं ला सकता है और यह मेरी कोशिश रहती है। कि जहां भी मैं जाऊं थोड़ा सा अपना सिर झुका कर जाऊं और जनता से बातचीत करूं आज मैं आदिवासी स्टूडेंट से बातचीत कर रहा था आते आते आज सुबह मैं आदिवासी युवाओं से बातचीत कर रहा था और उन्होंने मुझे कहा और उन्होंने मुझे कहा कि देखिए राहुल जी हमें हमें शिक्षा में जगह चाहिए हमें जिस प्रकार से जगह दी जाती है भैया अभी आते हैं आपके पास जिस प्रकार हमें जगह जगह दी जानी चाहिए वो नहीं दी जाती और जब भी मैं महिलाओं के पास जाता हूं जो यहां आज बैठी हुई हैं, वो भी मुझे यही कहती हैं कि राजनीति में जिस प्रकार से हमें जगह मिलनी चाहिए जितने महिलाओं के चेहरे लोकसभा में विधानसभा में दिखने चाहिए वो नहीं दिखते सही बात है गलत बात है तो नेता का काम सुनने का होता है और फिर सुनने के बाद जनता को बताने का होता है कि भैया जनता से मैंने यह सुना और यह समझा विपक्ष के लोग कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी को हिंदुस्तान से मिटाना है और मैंने दो तीन बार कहा है कि देखिए उन्होंने हिंदुस्तान का इतिहास नहीं पढ़ा है देखा नहीं क्योंकि अगर वो देखें तो उनको समझ आए कांग्रेस पार्टी जो है हमारी यह सिर्फ एक संगठन नहीं है यह एक सोच है और यह सोच आप सबके दिल के अंदर है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति के दिल के अंदर और यह सोच क्या है यह सोच क्या है यह सोच है कि इस देश में हमें हर एक व्यक्ति को इज्जत करनी हर एक को हर एक की बात सुननी है हरेक से प्यार से बर्ताव करना है मिलके काम करना है जुड़ के काम करना है और इस सोच के उदाहरण भी हैं। तीन हजार पहले बुद्धा ने यह बात कही वहां पगड़ी पहने हमारे सिख दोस्त बैठे हाँ हां आपने जो हाथ उठाया गुरु नानक जी ने आपने गुरु नानक जी ने ये यही बात कही थी सही बात है नहीं कि सबको लेकर प्यार करके काम करो हिंसा की कोई जरूरत नहीं कुरान शरीफ में यह लिखा है गीता में गीता में यह लिखा है गांधी जी ने यह कहा मगर ये जो नेता हैं बीजेपी के जो अपने आप को जो अपने आप को हिंदू कहते हैं इन्होंने गीता को खोल के कभी पढ़ा नहीं क्योंकि अगर ये इसको खोलते तो उन्हें दिखाई देता कि कांग्रेस पार्टी एक संगठन नहीं है एक सोच है और वो सोच हिंदुस्तान के दिल और दिमाग के अंदर हजारों साल से बैठी हुई और उस सोच को कोई नहीं हिला सकता और जिसने उस सोच को मिटाने की कोशिश की उनको हिंदुस्तान ने उठा के भगा दिया अंग्रेज आए अंग्रेज चले गए किसने हराया कांग्रेस पार्टी ने नहीं हराया कांग्रेस पार्टी की सोच ने हराया आपकी सोच ने हराया और प्यार से हमने उनको वापस भेजा और जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने प्यार से गुस्से से नहीं क्रोध से नहीं प्यार से अंग्रेजों को वापस भेजा उसी प्रकार से कांग्रेस पार्टी बीजेपी को प्यार से वापस भेजेगी महाराष्ट्र की मैं बात करना चाहता हूं सबसे आगे प्रदेशों में महाराष्ट्र है हिंदुस्तान की जीडीपी की बात होती है बड़े बड़े भाषण होते हैं सत्रह परसेंट आप देते हो सत्रह परसेंट हिंदुस्तान को आप जीडीपी देते हो सबसे ज्यादा एफडीआई महाराष्ट्र में आया सबसे ज्यादा इंडस्ट्री महाराष्ट्र में आती है मगर आपके लोग काम करते हैं लगे रहते हैं और आपके नेता मार्केटिंग नहीं करते हैं काम करते हैं थोड़ा मैं आपको युवाओं के लिए रोजगार के बारे में बताना चाहता हूं पिछले दस सालों में कांग्रेस पार्टी ने चौदह करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से उठाया पहले इतना बड़ा काम नहीं किया गया कैसे उठाया मनरेगा भोजन का अधिकार कर्जा माफी किसानों को सही दाम देकर उठाया और आज हमने हिंदुस्तान में एक नया वर्ग तैयार किया है जो गरीबी रेखा से ऊपर है और जो मिडिल क्लास से नीचे है आने वाले पांच दस सालों में हम इन लोगों को मिडिल क्लास में मध्यम वर्ग में डाल के दिखाएंगे ये कौन लोग हैं ये वो लोग हैं जो हिंदुस्तान को चलाते हैं जो टैक्सी को चलाते हैं बढ़ई, मजदूर ये लोग जो इस देश की रीढ़ की हड्डी है हमारा फोकस उन पे होगा और किस प्रकार से करेंगे पिछले दस सालों में हमने दिल्ली मुंबई मुंबई चेन्नई और दिल्ली कलकत्ता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और फ्रेट कॉरिडोर पे काम शुरू किया है दो दिन पहले महाराष्ट्र में औरंगाबाद को कॉरिडोर से जोड़ा गया है 5,000 हेक्टेयर जमीन आपने दी है प्यार से दी है और पानी और बिजली का काम उस कॉरिडोर के लिए किया जा रहा है कॉरिडोर से आपको क्या फायदा होगा उन सत्तर करोड़ लोगों को क्या फायदा होगा मैं आपको सीधा बता देता हूं आने वाले समय में कॉरिडोर से तेरह लाख लोगों को रोजगार मिलेगा यहां पर युवाओं को रोजगार मिलेगा और सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं पूरे हिंदुस्तान में जहां भी ये कॉरिडोर जाएगा मैन्युफैक्चरिंग की क्रांति आएगी और आज मैं युवाओं से कह रहा था कि आजकल मैन्युफैक्चरिंग चीन में होता है ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग चीन में होता है आने वाले समय में हिंदुस्तान में होगा और लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा सबसे बड़ा हिंदुस्तान में सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट है दिल्ली मुंबई मुंबई चेन्नई और दिल्ली बेंगलोर कॉरिडोर और इससे युवाओं को बहुत लाभ मिलेगा महिलाओं की थोड़ी बात करना चाहता हूं आप हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी हो आपके बिना ना घर चलता है ना राजनीतिक दल चलता है और ना देश चलता है मगर जितनी जगह आपको मिलनी चाहिए राजनीति में सांसद में विधानसभा में आपको नहीं मिलता और यह बदलना है महिला आरक्षण बिल हमने पार्लियामेंट में रखा और विपक्ष के लोगों ने रोका हम इस बिल को पास करके दिखाएंगे और लोकसभा में और विधानसभा में 33 प्रतिशत महिलाओं को हम डाल के दिखाएंगे और आप में से महिलाओं को डाल के निकालेंगे लोग कहते हैं हिंदुस्तान को सुपर पार बनाना है बड़े भाषण होते हैं भैया हिंदुस्तान को सुपर पावर बनाना है देखिए हिंदुस्तान में 50 प्रतिशत महिलाएं और जब तक इनको शक्ति नहीं दी जाएगी तो हिंदुस्तान आधा सुपर पावर बनेगा पूरा सुपर पावर नहीं बन सकता तो आपको हम जगह देंगे बैंक से जोड़ने का काम हमने किया है समूह के माध्यम से करोड़ों महिलाओं को हमने बैंक से जोड़ा है और आपके घर में हमने पैसा डाला है और यह काम हम और गहराई से करेंगे कि हमारी महिलाओं को शक्ति मिले थोड़ा मैं विपक्ष के बारे में बोलना चाहता हूं विपक्ष के लोग कहते हैं भाई सड़क हम बनाते कांग्रेस पार्टी गरीबों का काम करती है कांग्रेस पार्टी गरीबों पर पैसा जाया करती है हम सड़क का काम करते हैं तो मैंने मिनिस्ट्री से आंकड़ा निकलवाया मैंने मिनिस्ट्री से पूछा भाई बीजेपी के समय एनडीए के समय कितनी सड़कें बनाई गई और जवाब क्या मिला यूपीए के समय तीन गुना ज्यादा सड़कें सर, बनाई गई तो हम सड़कें ज्यादा बनाते हैं हम बिजली का काम बेहतर करते हैं और हम गरीबों का काम भी बेहतर करते हैं भ्रष्टाचार की बात उठाते हैं वो भ्रष्टाचार की बात उठाते हैं और उनके नेता आते हैं और भाषण दे जाते हैं भ्रष्टाचार के बारे में कर्नाटका में जब उनके मुख्यमंत्री जेल जाते हैं तो उनको भ्रष्टाचार नहीं दिखता उसी से वो गले मिल लेते हैं गुजरात में तीन भ्रष्ट मंत्री कैबिनेट में बैठे हुए हैं मगर उनके नेता को भ्रष्टाचार नहीं दिखता आरटीआई कौन लाया कांग्रेस पार्टी लाई लोकपाल बिल कौन लाया कांग्रेस पार्टी लाई लोकपाल बिल को रोकने की किसने कोशिश की बीजेपी के लोगों ने रोकने की कोशिश की और जब मैंने छह बिल की बात की भ्रष्टाचार के खिलाफ छह बिलों की बात की जिसको हम पास करना चाहते थे किसने रोका कांग्रेस पार्टी ने नहीं रोका बीजेपी के नेताओं ने रोका और उन्होंने क्या कहा कि भाई ये तो राहुल जी के बिल है ये राहुल जी के बिल नहीं है ये जनता के बिल है गरीबों के बिल है क्योंकि भ्रष्टाचार से उनका नुकसान होता है देखिए उनकी सोच में बीजेपी की सोच में और हमारी सोच में फर्क वो कहते हैं कि जो हिंदुस्तान में 60 साल में हुआ बीजेपी के लोग तीन महीने में कर देंगे अब इसके पीछे एक सोच है हमारा कहना है कि जो 60 साल में हुआ है इस देश में वो हिंदुस्तान की जनता ने किया है अगर यहां सफलता प्राप्त हुई है अगर यह देश अपने पैरों पे खड़ा हुआ है अगर यहां हरी क्रांति आई है दूध की क्रांति आई है टेलीकॉम रेवोल्यूशन हुआ है तो यह आप लोगों ने अपने खून और पसीने से किया है हिंदुस्तान के किसान ने किया है हिंदुस्तान की महिलाओं ने किया है हिंदुस्तान के युवा ने किया है और जब ये कहते हैं कि जो हिंदुस्तान ने 60 साल में किया उसे मैं तीन तीन महीने में कर दूंगा तो हिंदुस्तान की जनता की इज्जत नहीं कर रहे अगर यह देश आगे बढ़ा है इसको आपने बढ़ाया है आपके पसीने ने बढ़ाया है और जो काम आपने साठ साल में किया है वो आपके पसीने ने किया है और वो उसको एक व्यक्ति तीन महीनों में कभी नहीं कर सकता है देश को एक व्यक्ति नहीं चलाता है देश को करोड़ों लोग चलाते हैं वो हमारी सोच और हम क्या करना चाहते हैं हम आपको शक्ति देना चाहते हैं। पंचायती राज की बात हमने की बीजेपी के लोगों ने रोका आरटीआई सूचना का अधिकार हमने आपको दिया नारे का दिया भोजन का अधिकार दिया यह पूरी अधिकार की राजनीति क्या है यह आपको शक्ति देने की राजनीति और बीजेपी के लोग क्या करना चाहते हैं आपके हाथ से यह शक्ति ले जाना चाहते और पूरी की पूरी शक्ति एक व्यक्ति के हाथ में डालना चाहते और इससे हिंदुस्तान का नुकसान होगा अगर हिंदुस्तान को एक चीज की जरूरत है तो वो वो यह है कि हिंदुस्तान के आम आदमी को गरीब आदमी को शक्ति देनी उनको मजबूत करना है राजनीति उनके हाथ में डालनी है पंचायतों में देनी है। तो हम कह रहे हैं कि सिस्टम को खोलो जनता को शक्ति दो और यह कह रहे हैं कि भैया सिस्टम को बंद करो जनता से कुछ पूछो मत पूरा का पूरा सिस्टम एक व्यक्ति के हाथ में दो और जो वो करना चाहता है वो करेगा नहीं शक्ति आपके हाथ में होनी चाहिए शक्ति महिलाओं के हाथ में होनी चाहिए शक्ति युवाओं के हाथ में होनी चाहिए प्रधानों के हाथ में होनी चाहिए एमएलएमपी के हाथ में होनी चाहिए सबके हाथ में होनी चाहिए तब ये देश आगे जाएगा और यही काम हम करना चाहते हैं। और इस काम में भैया सुन लो कोई नहीं रोक सकता हमें आरटीआई जैसे कानून मनरेगा जैसे कानून भोजन के अधिकार जैसे कानून इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जैसे काम हम करके दिखाएंगे आपके लिए करेंगे और जितनी भी शक्ति हम आपको दे सकते हैं हम आपको दे के दिखाएंगे आप दूर दूर से आए इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद